सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम इज कनेक्टेड टू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमीटर भी अपना रेजिस्टेंस लेके आ रहा है एंड टू रेजिस्टर्स 4.5 and 9 ओम एज शोन इन फिगर जो भी है और कई चीजें करनी है हमें। तो पहली बार तो अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप अलग से उसे बना लीजिए। कैसे अलग से बना लीजिए? ऐसे बना लीजिए। तो एमीटर रीडिंग के लिए हम लोग सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब जो 4.5 और 9 पैरेलल में है उसकी वैल्यू 3 आ गई। 3 जो होगा वो 0.8 और 1.2 के साथ सीरीज में, तो सीधे सीधे लिख दिया हम लोगों ने 3 + 0.8 + 1.2, ये दोनों मिलके 2 हो गए, आर हो गया अपना नेट में जो रेजिस्टेंस है अपना 5 ओम आ गया। बट ये तो पूछा भी नहीं गया था हमसे, रीडिंग ऑफ एमीटर पूछी गई है। सो पार्ट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? E = अच्छा, अब तो टोटल रेजिस्टेंस में हम लोगों ने इसको भी शामिल कर लिया, 1.2 को भी शामिल कर लिया है, तो इसलिए हम लोगों को इस फॉर्मूले को लगाने की बजाय हम लोग सीधे ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब दिस आर इंक्लूड्स द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द बैटरी, तो इसलिए ये करने की अब जरूरत नहीं। ठीक है, वैसे अगर आपसे सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा जाता तो आप क्या बताते? 3.8। टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो क्या बता रहे हैं? 5। ठीक है, तो ईएमएफ कितना है? 2। आई हमसे पूछा गया है, आर कितना है? 5। आई आ गया 2/5 यानी 0.4 एम्पियर। सो दिस इज पार्ट ए। अगर आप वैसा करना चाहते हैं कि नहीं नहीं सर ये ईएमएफ का ये फॉर्मूला हमें मतलब गड़बड़ लग रहा है, तो आप वही कर लीजिए, R + R 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर आप क्या लिखेंगे? 3 + 0.8 यानी 3.8 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? 1.2। तब फिर आपका ज्यादा एक्सेप्टेबल आपको शायद लगेगा ये वाला, तो आप इस वाले मेथड को अप्लाई कर लीजिए। वैसे दोनों ही सही है। अगला पार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो कोई दिक्कत नहीं है, E = I R + R होता है, इसी को लोग ऐसा लिख लेते हैं, इसी को लोग ऐसा लिख लेते हैं। हमसे यानी ये पूछा गया, V इज द टर्मिनल वोल्टेज। EMF हमें मालूम है 2, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। I हम निकाल चुके हैं 0.4 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2। सो दिस इज 0.48। तो वी आ गया अपना कितना? 1.52। इसके बाद आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम रेजिस्टर, यानी कि ये वाला वोल्टेज पूछा गया। देखिए ये V1 मान लेते हैं इसको। देखिए जो इसके बीच में होगा वही इसके बीच में होगा और वही इन दोनों के बीच में होगा। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिजायर्ड, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जो 4.5 वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो ये काफी अच्छा सवाल है। ये V1 निकालने के लिए हमें
इसके बीच में पूरा रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और वो हमें पता है, V1 इज इक्वल टू आई वी वन बोलो यार, यार वी ए बी बोलना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि मैं ए बी नाम दे चुका हूं, ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू करंट थ्रू ए बी एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ये 4.5 और 9, ये कितना आ चुका था? 3 आ चुका था। आई कितना हम लोग ला चुके हैं? 0.4। ये 3 हम लोग बिल्कुल शुरुआत में कर चुके थे, मैंने मिटा दिया है, आपने जरूर नोट किया होगा, आप अच्छे बच्चे हैं। सो 0.4 इंटू 3 वो हो गया 1.2 वोल्ट। दिस वॉज पार्ट सी।